दोस्तों MI 5A की बहुत सारी बज रही है, जैसा कि हर MI Xiaomi फोन का रहता ही है, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और इस फोन का भी वैसा की वैसा बज रहा है। और हम लोगों ने देखा है कि जैसा मैंने फिर फोन को बुक किया है और इसकी जो फर्स्ट सेल थी, फ्लैश सेल थी, उसके अंदर अप्लाई किया था, तो मेरे को मतलब क्लिक करते ही ब्लैक फोन तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और उससे हमें को मुश्किल से एक रोज गोल्ड के अंदर मुझे मिला है फोन, और मुश्किल से 12:01 तक तो सारे फोन आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। इसके सारे वेरिएंट भी जो 5000 रेंज के अंदर आ रहे हैं प्लस 7000 रेंज के अंदर आ रहे हैं। एक बात मैं इस बात में नोटिस डालना चाहूंगा, ये जो कंपनी जो कह रही है कि वो अपने 500 मिलियन यूजर्स को 1000 रुपीज जो ऑफ देने वाली है, पहले 500 मिलियन यूजर्स को, वो उन्हीं मॉडल्स पे है जो 2GB 16GB रोम के साथ में आ रहे हैं। ये 1000 ऑफ रुपीज अपने इसके अंदर 32GB वाले वेरिएंट के लिए नहीं है। और खास करके MI का जो सारे फोन्स के लिए बज रहता है वैसा ही इस फोन के साथ भी है। तो जैसे ही आप जब भी देखेंगे इस फोन की जो फ्लैश सेल है, तो इंडिया का काफी सारा जो लोग है वो इस फोन को चाहने के लिए, इस फोन को खरीदने के लिए बहुत सारे एक साथ बज क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही फ्लैश सेल ऑन होती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे ये वेरिएंट हो चाहे MI के इससे पहले वाले फोन हो जो इस रेंज में आते हैं 332 की मॉडल, जैसे 4A वाला Redmi का 4 Note 4, 4A वाले मॉडल जो, और ये 5A जिसने कंपनी को देश का स्मार्टफोन, जो इस देश के जो जो आम आदमी जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक बड़ी बैटरी लाइफ मिले जिससे वो अपने दिन भर के अंदर नेट ऑन भी रखे, 4G पे चलाए तो भी उसकी बैटरी खत्म ना हो, उसका पूरा का पूरा दिन चल जाए, व्हाट्सएप चल जाए, कॉलिंग उसमें जियो के अंदर, जैसे LTE वाले फोन में और वोल्ट वाले फोन में यही डिफरेंस है कि उसके अंदर उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, कई बार लगता है नहीं लगता है, कई बार साथ में अंदर डिस्टर्बेंस आती है जब बात करते हैं, तो वो इस चीज के अंदर अवॉइड करने के लिए कंपनी ने ये चीज ध्यान रखा है। पर इसके अंदर दोनों स्लॉट वोल्ट नहीं है, सिर्फ एक ही स्लॉट LTE वोल्ट है जिसके अंदर आप अपना सीधा क्लिक करते ही कॉल लग जाएंगे, आपको वो जियो LTE वाले की तरह एप्लीकेशन डाउनलोड करके कॉल करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु व्यास और आज हम अब लेके आए हैं आपके लिए Xiaomi के देश का स्मार्टफोन के नाम से टैग से लॉन्च किया गया है, या फिर MI के 5A नाम से जो लॉन्च किया गया फोन स्मार्टफोन, उसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे Xiaomi की तरफ से इस तरीके की पैकिंग मिली थी, इस पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट द पैकेज रिसीव्ड इन टेम्पर्ड कंडीशन। इस तरीके से इसकी पैकिंग आई थी मुझे, इसको ले लेते हैं। ये है Redmi का MI 5A फोन बाय Xiaomi। इस तरीके से इसकी पैकिंग आती है जो हमने खोल दिए, पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, 12.7 cm सेंटीमीटर या फिर 5 इंच की HD डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 का फ्रंट है, और पीछे बैक कैमरा के अंदर PDAF मोड जो कि आपको सिर्फ एक अपने DSLR कैमरा के अंदर या फिर सिर्फ इस 5A के फोन के अंदर मिल रहा है। 525 मेगा चिपसेट है जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट है जिसके अंदर साथ में सिम भी लगेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा विद PDAF, HD डिस्प्ले 5 इंचेस का, दैट इज योर डायगोनली जिसे नापते हैं अपन, डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट, 3000 mAh की बैटरी जो कि इस फोन का एक बड़ा फीचर रहा है जिसमें इन्होंने बड़ी बैटरी दी, और प्लस ये 13 मेगापिक्सल विद PDAF मोड जिसे आप सिर्फ DSLR कैमरास के अंदर पाते हैं। MIUI कस्टम एंड्रॉइड सिस्टम जो कि सिर्फ एक MI का खुद का कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे हमने जब ओपन किया तो ये इस तरीके का मिलता है। एक बार के लिए फोन साइड में रख देते हैं। ये फोन की हमारे पास बुकलेट आई थी, लीफ आई थी, इसके अंदर इस बारे में इसके ऊपर फोन के ऊपर काफी स्पेसिफिकेशन दी गई है, इसे आप चाहे तो जूम करके देख सकते हैं। मोबाइल चार्जर, हाइड्रो माइक्रो सिम के स्लॉट्स के लिए खोलने के लिए उसकी की, और फोन का चार्जिंग स्लॉट जिसे आप यूज कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। एक बार के लिए हम इन्हें साइड में रख देते हैं।
तब तक हम फोन को ऑन कर देते तब तक वो फोन ऑन हो जाएगा। ये है Redmi 5A का स्लॉट, लीफ डिटेल्ड लीफ, जिसके अंदर सिम कंपनी बोल रही है कि सिम कार्ड ट्रे है, जिसमें एक वो नैनो कार्ड सिम सपोर्ट करेगा, टे टू सपोर्ट करेगी नैनो सिम को, जिसके अंदर और साथ में मेमोरी कार्ड लगने का भी ट्रे होगा। ड्यूल सिम है फोन, जिसके अंदर फर्स्ट स्लॉट ही 4G LTE और वोल्ट दोनों सपोर्ट करेगा, सेकेंड सिम 3G और 2G पे ही चलेगी, इसके अलावा किसी भी तरीके का उसके अंदर 4G सपोर्ट नहीं होगा। इस तरीके से इसके पूरी डिटेल्स दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये रहा फोन, देखने से तो लग रहा है काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, आप चेक कर सकते हैं इसे और फोन का इसे कैमरा वगैरह सब कुछ। और इसके अंदर जहां तक MI की ब्रांडिंग की गई है और एक आई स्टैंडर्ड कोड का पीछे मेडिंग की गई है, मेड इन इंडिया है इस फोन की खास फीचर है, इसे आप देख सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल है, उसकी भी ब्रांडिंग की गई है, हम लोगों ने इसको पहले ही सेटअप कर दिया था और आप इसे देख सकते हैं कि इसके अंदर वेदर की और सारी एप्लीकेशंस है। एक फोन के अंदर खास फीचर वो ये भी रहा है कि इसके अंदर फोन के आप ड्यूल स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इसको स्विच कर सकते हैं कि मतलब एक ही फोन के अंदर आप 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, 2 फेसबुक अकाउंट्स, 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स, 2 अलग अलग नंबर से जो लोग चलाते हैं वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। फोन के अंदर काफी इनबिल्ट एप्लीकेशंस आती है फोन के जो MI से रिलेटेड ही है, और फोन के अंदर एक स्पेशल फीचर और भी है जो इसको आपके यूनिवर्सल रिमोट बनाता है, जिससे आप अपना TV ऑपरेट कर सकते हैं, AC ऑपरेट कर सकते हैं और काफी सारे इसके अंदर गूगल के एप्लीकेशंस प्री लोडेड आते हैं, जैसे कि गूगल डियो, क्रोम, ड्राइव, जो एडिशनल एप्लीकेशंस जो होनी चाहिए वो भी सारी इसके अंदर है, कंपास वगैरह और आपके MI ड्रॉप वगैरह, जिसके अंदर आपको इसके फाइल शेयरिंग वगैरह के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे अपना जेंडर और होता है फाइल शेयर इट वगैरह, उसी तरीके से MI का भी MI ड्रॉप आया है एप्लीकेशन, इसमें प्री लोडेड है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे Xiaomi की देश के स्मार्टफोन या फिर ऐसे कहे कि MI के 5A के फोन की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो Flipkart पे रोज इसके फ्राइडे को फ्लैश सेल होती है, जैसे पिछले 8 तारीख को, 15 तारीख को और शायद उम्मीद है कि अगली 22 तारीख को भी इसकी सेल लगेगी, तो आप चाहे तो उस पर जाकर के अपना नोटिफाई करा सकते हैं अपने ईमेल के थ्रू से, और जैसी आपकी सेल होगी तो करीब 12 बजे होती है, उस पर आप अपना जाकर के सेल में पार्टिसिपेट कीजिए और फोन को बुक कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप दबाएं, लाइक करें फॉर वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।